हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम क्रिस। सो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं शेयर करने वाली हूँ प्रोडक्ट रिव्यू। सो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो पॉन्स विटामिन मिनरल वाटर, एंड इसे मैंने लिया है नायका से। एंड नायका में मुझे ये बिल्कुल भी डिस्काउंट में नहीं मिला है, बट ये ऑफर में मैंने लिया था। मुझे इसके साथ बैला कॉटन की जो ट्रैवल साइज कॉटन पैड जो है वो मुझे इसके साथ मिली थी, बट अभी मैंने चेक किया नायका पे तो इसमें ऑफर बहुत अच्छा चल रहा है। आपको कॉटन पैड भी रिसीव होंगे फ्री गिफ्ट में, लाइक ऑफर में, एंड प्लस इसके ऊपर डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। रिव्यू अगर आपको पसंद आए तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं इसको। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। सो चलिए फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम इसकी पैकेजिंग से स्टार्ट करते हैं। इसकी पैकेजिंग आपको इस टाइप की ट्रांसपेरेंट ट्रैवल साइज पैकेजिंग आपको मिलती है, जो कि ईजी टू यूज़ है, एंड आप इजीली इसे लाइक ट्रैवल के टाइम भी लेके जा सकते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली है। सो इसमें थ्री वेरियंट लॉन्च हुए हैं गाइज। जो मैंने लिया है वो है ब्राइटनिंग रोज का, एंड इसमें आपको टू वेरियंट्स और मिल जाएंगे, जो कि है एक हाइड्रेटिंग एलोवेरा एंड दूसरा है डिटॉक्सिफाइंग चारकोल वाला। सो आप दोनों में से लाइक तीनों में से आप कोई भी वेरिएंट ट्राई कर सकते हैं। मैंने रोज वेरिएंट लिया है, एंड आप जो है एलोवेरा भी ट्राई कर सकते हो एंड चारकोल वाला भी ट्राई कर सकते हो। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है ट्राई कर सकते हैं तीनों वेरिएंट्स में से कोई भी। बट ये जो मिसेलर वाटर है गाइस, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। तीनों में से आपको जो भी लाइक वेरियंट ट्राई करना हो तो आप इजिली ट्राई कर सकते हैं। सो इसमें आपको टू साइजेस अवेलेबल हो जाएंगे। जो एक साइज है छोटी वाली वो है 105 ml की बॉटल है। अगर आप ट्राई बेस पे लेना चाहते हैं तो आप वो ट्राई कर सकते हो, एंड वो आपको मिलेगी 125 rupees की, आपको वो बॉटल मिल जाएगी। मैंने जो ली है वो बड़ी बॉटल, जो कि 250 ml का पैक है, एंड इसकी जो प्राइस है 299 rupees है। इसमें मैंने आपको जैसे बताया मुझे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला, मुझे 299 ही इसके पूरे पे करने पड़े थे। तो ये जो मिसेलर वाटर है गाइस, ये आपकी स्किन को क्लीन करने के साथ साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने में भी हेल्प करता है। सो ये है क्लिनिकली प्रूवन मेकअप रिमूवर, जो कि एक ब्राइटनिंग रोज के साथ आता है। अगर स्किन की बात करें तो आपको जो है अभी सर्दियों में देखोगे तो स्किन बहुत ज़्यादा डल एंड थोड़ी सी ब्लैक हो जाती है, तो अगर ब्राइटनिंग मेकअप रिमूवर आप ट्राई कर रहे हो तो आपकी स्किन की जो एक अच्छी सी हाइड्रेशन भी मिलती है आपकी स्किन को, एंड प्लस आपकी स्किन डीपली क्लीन भी हो जाती है। एंड रोज वेरिएंट मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट रहता है हर टाइम। अगर मैं कोई भी स्किन केयर लेना चाहती हूँ तो मैं ज़्यादातर रोज पे ही फोकस करती हूँ, क्योंकि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एंड मुझे रोज़ की जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है, थोड़ी सी रिफ्रेशिंग लगती है। इसकी जो फ्रेग्रेंस की बात करूँ, इतनी ज़्यादा अमेजिंग है ना गाइज, ऐसा आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस लगती ही नहीं है। इतना ज़्यादा रिफ्रेशमेंट आपको मिलता है, एंड रोज़ का पूरा ऐसा लगता है फ्रेग्रेंस इसके अंदर डाल दिया है। इतना ज़्यादा अमेजिंग इसकी रोजी फ्रेग्रेंस आपको मिलने वाली है। सो ये 99% आपके आई मेकअप को रिमूव करता है, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। तो इसमें लिखा हुआ ये वाटरप्रूफ मेकअप को बहुत ईजिली रिमूव कर देता है, जो मैं आपको डेमो में बता दूंगी कि वाटरप्रूफ मेकअप को ईजिली रिमूव करता है कि नहीं करता है। ये 100% अल्कोहल फ्री है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो ये है X5 ब्राइटनिंग रोज के साथ आपको मिलता है, एंड ये नॉन ऑयली एंड नॉन ग्रीसी नॉन स्टिकी है, जो कि मैंने भी इसे फील किया है। मैंने इसे 3 से 4 बार यूज़ किया है। जितनी बार भी मैंने इसे यूज़ किया है ना गाइस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जितनी बार भी मैंने इसे यूज़ किया, आप देख सकते हैं यूजेस ज़्यादा नहीं है। मैं रेगुलर जितना यूट्यूब के लिए मेकअप करती हूँ, लिपस्टिक एंड आईब्रो पेंसिल एंड थोड़ा सा अगर मैं बीबी क्रीम सनस्क्रीन अगर लगाती हूँ, बस उतना ही मेकअप होता है। इतना ईजिली रिमूव कर देता है, एंड उसके बाद जो स्किन बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगती है, ना नॉन ऑयली, लाइक बिल्कुल भी ऑयलीनेस नहीं देता है। एंड इससे क्लीन करने के बाद इतनी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट लगती है ना, लाइक बहुत ही चार्ज लगता है, एंड ऐसा लगता है स्किन बहुत अच्छे से ब्रीथ कर रही है मेरी। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है इसकी। सो अभी मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो है 5 essential vitamins का मिश्रण है, जो कि है विटामिन ए, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन C एंड विटामिन E। सो इसमें 5 essential vitamins के साथ साथ ऑर्गेनिक फ्रेंच रोज भी यूज़ किया गया है, जो हमारी स्किन को क्लीन करता है, मेकअप को क्लीन करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन से डर्ट को क्लीन करता है, एंड हमारी स्किन को बहुत अच्छे से रिफ्रेशमेंट देता है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी, जो कि 5 point मैं आपको बताऊँगी, वो है ये, जो ये बहुत अच्छे से आपकी सनस्क्रीन को भी रिमूव करता है, जो कि बहुत सारे मिसेलर वाटर नहीं कर पाते हैं। ये आपकी हैवी सनस्क्रीन को भी रिमूव करता है, क्योंकि हम लोग सन से बचने के लिए बहुत अच्छा वाला सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, जिसको रिमूव हर कोई नहीं कर सकता है। तो ये जो मिसेलर वाटर है, आपके सनस्क्रीन, मेकअप, डर्ट, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, सारी चीज़ें ये करता है। सभी मैं इसका डेमो दे देती हूँ आपको, किस टाइप से ये मेकअप को रिमूव कर पाता है कि नहीं कर पाता है, अच्छे से वाटरप्रूफ मेकअप को रिमूव करता है कि नहीं करता है। तो मैंने इसे कॉटन पैड पे ले लिया है, आप जो है थोड़ा सा अमाउंट ले लीजिए। फर्स्ट मैं अपनी आई मेकअप को रिमूव कर रही हूँ। मैंने यूज़ किया है शुगर का आईलाइनर, एंड मस्कारा यूज़ किया है मैंने कलर बार का। सो ईजीली आप देख सकते हैं 30 सेकेंड तक रखी है, एंड ईजीली इसने स्वाइप करने के बाद देखो पूरा जो है आईलाइनर निकाल दिया है, बट इसने मस्कारा को अच्छे से रिमूव नहीं किया है, लाइक थोड़ा भी मस्कारा नहीं निकला है मेरा।
एंड मैंने दूसरी आंखों पे भी आप देख सकते हैं 30 सेकंड तक रखने के बाद निकाला तो इसने इजीली शुगर के जो आईलाइनर है उसको भी निकाल दिया है। फेस मेकअप भी इसने बहुत इजीली रिमूव कर दिया है मेरा वन स्वाइप में, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मुझे। मेरा आईब्रो जो किया हुआ है वो भी शुगर का मैंने यूज़ किया था, वो भी इजीली रिमूव कर दिया है इसने। एंड फेस मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव हो गया है गाइस, सीरियसली बहुत अच्छे से रिमूव हुआ है। एंड मैंने आईब्रोज भी क्लीन कर लिए हैं, आई मेकअप हो चुका है, बट मेरा थोड़ा सा मस्कारा दिक्कत हुआ मुझे। लाइक मैंने रिमूव किया तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा मुझे मस्कारा को छोड़कर, लाइक मस्कारा भी इसने रिमूव कर दिया बट थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, टाइम लग जाएगा। एंड लिपस्टिक भी आप देख सकते हैं इजीली इसने रिमूव कर दी है, फेस मेकअप आई मेकअप लिपस्टिक सब चीज़ें इसने बहुत अच्छे से रिमूव कर दी है। एंड लिपस्टिक में भी आप देख सकते हैं बहुत इजीली इसने रिमूव कर दिया है। एंड अभी जो है मेरा स्किन पूरा क्लीन हो चुका है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा जो है अच्छे से वापस वाइप करूँगी ताकि इवन जो सारी मेकअप हो वो अच्छे से निकल जाए। कॉटन पैड आप देख सकते हैं कैसी हालत हो चुकी है, एंड रिमूव करने के बाद मेरी स्किन बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लग रही है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है इसे यूज़ करने के बाद, ठंडा ठंडा लग रहा था एंड मेरी स्किन बहुत ही अच्छे से ब्रीथ कर रही थी। अभी मैं अपनी स्किन को वॉश कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया गाइस इसका फुल रिव्यू प्लस डेमो। अब मैं आपको बता दूं मेरा एक्सपीरियंस जो इसके साथ रहा है, क्या अच्छा था एंड क्या बुरा था, जो मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, अगर आप रेगुलर मेकअप करते हैं, डर्ट को क्लीन करना चाहते हैं, रेगुलर ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं एंड घर पर भी रहते हो, कहीं पर भी जाते हो, थोड़ा बहुत रेगुलर मेकअप को रिमूव करना चाहते हो तो बेस्ट चीज़ है आप लोगों के लिए। रेगुलर मेकअप भी नहीं करते हो, सिर्फ स्किन को क्लीन करना चाहते हो, जैसे कि हम लोग मिल्क यूज़ करते हैं जो कि क्लिनजिंग मिल्क होता है, उस टाइप से अगर आप रिमूव करना चाहते एक डर्ट को, तो इसको भी आप यूज करके कर सकते हैं। इससे यूज कीजिए, उसके बाद फेस वॉश कीजिए, बहुत अच्छे से स्किन क्लीन हो जाएगी। स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है, बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट देता है। मैंने जब इसे यूज किया मेरी स्किन बहुत अच्छे से ब्रीथ करती थी, मुझे ऐसा फील होता था, बहुत ठंडक लगती थी। एंड इसकी एक और चीज ये है, आंखों को बिल्कुल जलन नहीं देता है, थोड़ा बहुत आंखों में चला जाता है हम आई मेकअप जब रिमूव करते हैं, बट ये बिल्कुल भी जलन नहीं देता है, बहुत ठंडक मिलती है आंखों को, थोड़ा बहुत अगर चला भी जाता है तो। इस चीज़ के लिए मैं मुझे बहुत अच्छा लगा है, सो ऑलमोस्ट मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। रेगुलरली अगर यूज़ करूँ मैं, क्योंकि मुझे रेगुलर मेकअप यूज़ करने लाइक रिमूव करने के लिए चाहिए होता है अच्छा सा मिजलर, तो मुझे पसंद आया। क्योंकि एक बात मुझे पसंद नहीं आई है ये कि ये मस्कारा को रिमूव नहीं कर पाता है बहुत अच्छे से, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई है इसे मस्कारा को रिमूव करने में, बट ये है रेगुलर मेकअप अगर आप करते हैं उसमें मस्कारा ऐड नहीं होता है तो ये इजीली रिमूव कर देगा, बट मस्कारा में थोड़ा सा दिक्कत मुझे लगा, मुझे ये चीज़ थोड़ी सी इसके कम लगी कि 99% अगर आई मेकअप रिमूव करता है तो मस्कारा नहीं ऐड हुआ इसमें। सो ये था। सो मैं रेगुलर मेकअप के लिए आपको थम्स अप देने वाली हूँ। रेगुलर मेकअप करते हो, रेगुलर क्लीन करना चाहते हो स्किन को, तो डेफिनेटली यार बहुत अच्छा है, ट्राई कीजिए। बट अगर आप बहुत ज़्यादा मस्कारा वगैरह के हिसाब से ले रहे हो, पूरा मेकअप आई मेकअप क्लीन करने के लिए ले रहे हो, तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है, बट ओवरऑल बताऊँ तो मुझे बहुत पसंद आया है, इनको बहुत अच्छा सा फील होता है यूज़ करने के साथ, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मुझे रेगुलरली मेकअप को क्लीन करना होता है एंड मैं रेगुलर मस्कारा यूज़ भी नहीं करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया हो, ऑफर में है। एंड या आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों के लिए आज का मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, टेक केयर।